Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 17 March 2022. Today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are First question Perception of active fetal movement by the pregnant mother. एट अबाउट एटीन टू ट्वेंटी वीक्स ऑफ गैस्टेशन इज टर्म्ड एज प्रेग्नेंसी के दौरान अठारह से बीस सप्ताह की एज पर मदर द्वारा बच्चे की मूमेंट को फील करना क्या कहलाता है क्विकनिंग मॉन्ट गॉम्रीज ट्यूबरकल ब्रैक्सटन हिग्स कॉन्ट्रैक्शन और गुडेल साइन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इसे हम क्विकनिंग के नाम से जानते हैं एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर नोन एज क्विकनिंग मोन्ट गोमरी ट्यूबरकल इज अ स्मॉल बर्डिंग दैट अपीयर्स नियर द निपल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ब्रैक्सटॉन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर द प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस समटाइम्स इट इज नोन एज फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन गोडल साइन इज अग ऑफ सर्विक्स दैट इज सीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन ईसीजी चेंजेस सीन इन माओकार्डियल इंफ्राक्शन हार्ट अटैक आने पर ईसीजी में किस प्रकार के चेंजेस देखे जाते हैं ऑप्शन ए एस टी सेगमेंट एलिवेशन ऑप्शन बी वाइड क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ यू वेव ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवेल द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए जब भी किसी पर्सन को हार्ट अटैक होता है एमआई अटैक आता है तो उस सिचुएशन में ई करवाने पर आपको ये सभी चेंजेस देखने को मिलेंगे जिसमें एस सेगमेंट का एलिवेशन जो कि बेसलाइन से लगभग एक एम mm होता है टी वेव इन्वर्शन हो जाती है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आने लगती है और जो क्यू वेव है ये एबनॉर्मल होती है नॉर्मल ईसीजी की बात यदि की जाए तो नॉर्मल ई करवाने पर आपको इस प्रकार से लाइनिंग देखने को मिलेंगी ये आपकी पी वेव है यह क्यू है ये आर है ये एस है, है और फिर ये टी वेव है अगर पेशेंट को एम होता है तो सबसे पहले पेशेंट के अंदर इस प्रकार की वेव देखने को मिलती है यहाँ पर एस सेगमेंट जो है एलिवेटेड आता है और जो टी वेव है ये ऑपोजिट आती है इन्वर्टेड आती है और जो क्यू वेव है ये भी एबनॉर्मल होती है याद रखिएगा एक बार किसी पेशेंट को यदि हार्ट अटैक आ जाए तो उसके बाद जब भी आप इसकी ई करेंगे हमेशा वहाँ पर आपको क्यू वेव एबनॉर्मल मिलेगी एस टी सेगमेंट और टी वेव तो नॉर्मल आ सकती हैं लेकिन हमेशा एम आई के बाद क्यू वेव आपको एबनॉर्मल ही मिलेगी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन अ क्लाइंट विथ अल्कोहल डिपेंडेंसी बिगेन्स टू टॉक अबाउट नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम विथ अल्कोहल द नर्स शुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस एक ऐसा पेशेंट जिसे एल्कोहल डिपेंडेंसी थी यानी वो लगातार हाई लेवल में एल्कोहल इंटेक करता था अब ये पेशेंट हॉस्पिटल में है और नर्स से कहता है कि मुझे एल्कोहल के कारण प्रॉब्लम नहीं हुई है इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे आपके ऑप्शंस हैं क्वेश्चनिंग द क्लाइंट अबाउट हाउ मच एल्कोहल शी ड्रिंक्स आप इस पेशेंट से पूछेंगे कि आप कितना अल्कोहल अमाउंट लेते थे या फिर ऑप्शन टू कॉन्फ्रंटिंग द क्लाइंट विद द फैक्ट दैट शी वाज इंटॉक्सिकेटेड टू डेज अगो आप इस क्लाइंट को बताएंगे कि आपको दो दिन पहले एक्सेसिव अल्कोहल की टॉक्सिसिटी हुई थी इसके बाद हमें आपको इंटॉक्सिकेशन करवाया गया या फिर आप कहेंगे पॉइंटिंग पॉइंटिंग आउट हाउ एल्कोहल हैज गॉटन हर इन टू ट्रबल आप इस क्लाइंट को बताएंगे कि किस प्रकार से एल्कोहल के कारण आपको ट्रबल हुई मुसीबत का सामना करना पड़ा विच अप्रोच इज करेक्ट हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री यहां पर इस पेशेंट को एज अ नर्स हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अल्कोहल ने आपको नुकसान पहुंचाया है वेन अ क्लाइंट टॉक्स अबाउट नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम विथ एल्कोहल द नर्स नीड टू पॉइंट आउट हाउ एल्कोहल हैज गॉटन द क्लाइंट इन टू ट्रबल जब क्लाइंट आपसे यह कहे कि मुझे एल्कोहल के कारण प्रॉब्लम नहीं हुई है तो इस सिचुएशन में आप इस पेशेंट को बताएंगे कि आपने लंबे समय तक जिस मात्रा में अल्कोहल का इंटेक किया है उसी के कारण आप आज बीमार हुए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं इस पॉइंट या इस अप्रोच को यूज़ करना यहाँ पर सबसे सही माना जाएगा कॉन्सेंट्रेट फैक्ट्स आर हेल्पफुल इन डिक्रीजिंग द क्लाइंट्स डिनाइल दैट एल्कोहल इज़ अ प्रॉब्लम अगर आप फैक्ट्स के बिहाव पर पेशेंट से बात करेंगे तो ये इस पेशेंट के डिनाइल को कैंसिल करवाएगा यानी कि पेशेंट जो ये मान रहा है कि उसे अल्कोहल से प्रॉब्लम नहीं हुई है किसी और कारण से वो बीमार हुआ है ये चीज फैक्ट के थ्रू बात करने से गलत हो जाएगी और आप पेशेंट को समझा सकते हैं कि अल्कोहल इज डेंजरस आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द हर्ट डिजीजेस साइनोटिक हार्ट डिजीज आपको यहां बताए गए चारों ऑप्शन में से उस हार्ट डिजीज को सेलेक्ट करना है जो कि साइनोटिक हार्ट डिजीज का एग्जाम्पल है टीओ एफ एस टी वी एस या फिर पी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर डक्टस आर्टीरियोस इन चारों में से साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सा है ये आपको बताना है द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हार्ट डिजीजेस को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज और ए साइनोटिक हार्ट डिजीज साइनोटिक हार्ट डिजीज क्या है और इसमें कौन कौन से डिजीजेस आते हैं इसे हम डिस्कस करते हैं साइनोटिक हर्ट डिजीज अ ग्रुप ऑफ मेनी डिफरेंट हर्ट डिफेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ दे रिजल्ट इन लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल साइनोसिस ब्लूइश कलर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। साइनोटिक हर्ट डिजीजेस के अंदर लगभग हम उन सभी कंडीशंस को इंक्लूड करते हैं जो कि कंजनाइटल होती हैं यानी बच्चे में जन्म के समय ही मौजूद होती हैं इनमें हार्ट डिफेक्ट्स को मुख्य रूप से इंक्लूड किया जाता है साइनोसिस शब्द का मतलब होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो और इसकी वजह से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन या शरीर का एक हिस्सा नीला पड़ जाए ब्लूइश कलर का हो जाए जब भी किसी पर्सन के अंदर हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं तो इसके कारण जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और साइनोसिस डेवलप होता है तो सिंपली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइनोटिक हार्ट डिजीज क्या है तो आप बताएंगे हार्ट में किसी डिफेक्ट के होने के कारण पर्सन के शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस वजह से उसका स्किन नीला रंग का दिखाई देता है ये कंडीशन साइनोटिक हर्ट डिजीज कहलाती है अब अब बात करते हैं कि इसमें किन किन डिजीजेस को हम मुख्य रूप से इंक्लूड करते हैं तो आएगा कोआर्कटेशन और कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ एरोटा एप्स्टीन एनोमली हाइपोप्लास्टिक हर्ट हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हर्ट सिंड्रोम टेट्रॉलोजी ऑफ फैलोट टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज ट्रंकस आर्टीरियोस ये सभी चीजें साइनोटिक हर्ट डिजीज में इंक्लूड की जाती हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजनाइटल हर्ट डिफेक्ट्स दैट डू नॉट नॉर्मली इंटरफेयर विद अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड दैट रीचेज द टिश्यू ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एसाइनोटिक हर्ट डिफेक्ट्स ऐसे सभी हर्ट डिफेक्ट्स जिनमें ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं होती स्किन का कलर नीला नहीं पड़ता ये कंडीशन असाइनोटिक हर्ट डिफेक्ट्स कहलाती है अ ब्लू स्टेंट ऑफ स्किन इज नॉट कॉमन इन बेबीज विथ साइनोटिक हड डिफेक्ट जिस बात को हमने कहा वही है यहाँ स्किन नीली नहीं होती यहाँ ऑल दो इट में अकर इफ अस्टेंट अकस इट ऑफ्टन ड्यूरिंग एक्टिविटीज वैन द बेबीज नीड मोर ऑक्सीजन सच एस वैन बेबी क्राइंग एंड फीडिंग जब बच्चा खाना खाता है या फिर रोता है उस समय बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है उस सिचुएशन में हो सकता है कि बच्चे की बॉडी नीली हो डिसकलर्ड डिस्कलर्ड होपफुली आप समझ गए होंगे कि ए साइनोटिक और साइनोटिक हार्ट डिजीजे में क्या फर्क है अब हम बात करते हैं ए साइनोटिक कंजनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स की जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पेटेंटक्टस आर्टीरियोसिस पल्मोनरी वॉल स्टिनोसिस और एरोटिक वॉल विस्टिनोसिस को इंक्लूड किया जाता है टेक स्क्रीन शॉट फॉर योर रिविजन नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक बोन फीवर किस डिजीज को आप ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं टाइफाइड फीवर मलेरिया मैलिग्नेंट फीवर या फिर डेंगू फीवर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इट इज डेंगू फीवर डेंगू इज अ वायरल डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय अर्बो वायरस और डेंगू वायरस एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाई एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो दिस मॉस्क्यूटो यूजअली बाइट्स ड्यूरिंग द डे ब्रेक बोन फीवर डेंगू डिजीज़ को कहा जाता है और डेंगू डिजीज एक वायरल डिजीज़ है वायरस द्वारा होने वाला डिजीज़ है इस डिज़ीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अर्बो वायरस या डेंगू वायरस के नाम से जाना जाता है और इस डिजीज से अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि डेंगू डिजीज का वेक्टर कौन सा है या ये डिजीज किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है तो आप बताएंगे एडीज इजिप टी मॉस्क्यूटो इसका वेक्टर है दिस मॉस्क्यूटो यूजुअली बाइट्स ऑन द डे टाइम ये मच्छर दिन में ज़्यादा एक्टिव रहता है काटता है बाइट करता है अदर डिजीजेस आर कॉस्ड बाय एडिज इजिप्टी मॉस्क्यटो एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो के द्वारा और कौन से डिजीज़ेस का ट्रांसमिशन होता है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिका डेंगू चिकनगुनिया मायरो, येलो फीवर ये सभी डिजीज़ेस एडीज इजिप्टी मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट होते हैं अगर आप सी एच ओ लेवल की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं प्रीवियसली कई बार पूछे भी गए हैं टेक स्क्रीन शॉट फॉर योर रिविजन लैंडमार्क ऑफ पेल्विस दैट डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ डिसेंट ऑफ हेड इज नोन एज आपको पेल्विक में मौजूद उस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क का नाम बताना है जो कि ये बताता हो कि बच्चे का हेड यानी प्रेजेंटिंग पार्ट डिलीवरी के समय कितना डिसेंट हुआ है ईशियल स्पाइन ईशियल ट्यूबरोसिटी, लाइनिया टर्मिनालिस या फिर सैक्रम द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इट इज ईशियल स्पाइन above द ईस्ल स्पाइन द स्टेशन इज स्टेटस इन माइनस वन टू थ्री फोर एंड फाइव बिलो द ईश्चियल स्पाइन द स्टेज called प्लस वन टू थ्री फोर एंड फाइव देखिएगा के अंदर जो ईश्चियल स्पाइन बोनी एरिया होता है उस बोनी एरिया तक प्रेजेंटिंग पार्ट पहुंचा है या नहीं इस चीज के बिहाब पर हम डिस, डिसेंट का असेसमेंट करते हैं अगर मान लीजिए बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट या हेड वाला पार्ट इस स्पाइन एरिया से एक सेंटीमीटर ऊपर है तो आप इसे माइनस वन स्टेशन कहेंगे दो सेंटीमीटर दूरी पर होने का मतलब है माइनस टू स्टेशन और इसी तरह अगर पाँच सेंटीमीटर की दूरी पर है तो आप इसे माइनस फाइव स्टेशन कहेंगे अब बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट बिल्कुल इस चेल स्पाइन वाले स्पेस पर आ जाता है इस जगह पर आ जाता है हेड, तो इसे आप स्टेशन इस जीरो का नाम देंगे अब बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट या हेड वाला हिस्सा इस इसल स्पाइन को क्रॉस करके नीचे वलवल -वल आउटलेट की तरफ वेजाइना की तरफ शिफ्ट हुआ है तो जितना डिस्टेंस ये आगे गया है उसे प्लस से डिनोट करेंगे अगर ये इस स्पाइन को एक सेंटीमीटर आगे क्रॉस कर गया है तो ये प्लस वन कहलाएगा दो सेंटीमीटर आगे जाना यानी डिसेंट होना नीचे खिसकने को दो सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर और पाँच सेंटीमीटर तक आप इसे डिनोट कर सकते हैं होपफुली दिस इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन थेराप्यूटिक रोल ऑफ मॉर्फिन इन टू फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एम आई माइकार्डियल या हार्ट अटैक आने पर मॉर्फिन दिया जाता है इस मॉर्फिन को देने से क्या फायदा होता है क्यों इसे दिया जाता है ये आपको बताना है पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए दिया जाता है कॉरनरी आर्टरी वैसोडाइलेशन के लिए दिया जाता है या फिर ऑप्शन बी एंड सी दोनों के लिए दिया जाता है द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने और वैसोडाइलेशन के लिए दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन जब भी पेशेंट को एम आई अटैक होता है तो सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है और इस चेस्ट पेन को रिड्यूस करने के लिए हमें हाई ऑक्सीजन डिलीवर करना होता है पेशेंट की बॉडी में आ रहे ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं मॉर्फिन देने के साथ ही वेसल्स का डायलेशन होता है और प्रॉपर सर्कुलेशन इस्टेब्लिश होता है जिससे कि पेन कंट्रोल होता है पेशेंट के सिम्टम्स रिलीफ होने लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एन एक्सपेक्टेड फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स टू अ लो पोटेशियम लेवल अगर किसी क्लाइंट में पोटेशियम की कमी हो जाए तो आपको कौन सा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा डिसरिदमियाज हाइपरग्लाइसीमिया हाइपर टेंशन या फिर इंक्रीज एनर्जी पोटेशियम की डेफिशिएंसी होने पर कमी होने पर द राइट आंसर इज ऑप्शन वन कार्डियक डेसिरेडमियाज लो पोटेशियम कैन कॉज इम्बैलेंस एट सेल्यूलर लेवल एंड लीड्स टू दिस अरेद्मियास एंड कार्डियक अरेस्ट पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए बहुत ही इसेंशियल है और उतना ही डेंजरस भी है अगर पोटेशियम को अगर पोटेशियम का लेवल हमारे शरीर में कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो दोनों ही सिचुएशंस में हार्ट में दिसरदमियास डेवलप होते हैं यानी एबनॉर्मल रिदम्स डेवलप होती हैं और इसके कारण कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है यानी पर्सन की डेथ तक हो सकती है सो so, जब भी आप पेशेंट में पोटेशियम एडमिनिस्टर uh, करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बिना इसे डाइल्यूट किए या बोलस के रूप में कभी भी पोटेशियम ना दें हमेशा पोटेशियम सब्सटेंस को डाइल्यूट करने के बाद इन्फ्यूज पंप द्वारा बिल्कुल स्लो रेट से एडमिनिस्टर करवाया जाए अदरवाइज कार्डियक अरेस्ट हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूम सिक्स जीरो सिक्स फोर जीरो सिक्स थ्री जीरो सिक्स टू जीरो सिक्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी टू हंड्रेड सिक्स टोटल बोन्स इन ह्यूमन इज 206 एंड टोटल नंबर ऑफ मसल्स 639 बेसिक बट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जैपनीज एंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय जैपनीज एंसेफेलाइटिस किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है ये आपको बताना है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के द्वारा एनाफ्लिस के द्वारा एजेप्टी के द्वारा या फिर एडीज के द्वारा द राइट आंसर एज ऑप्शन ए क्यूलैक्स मॉस्क्यूटो जैपनीज एंसेफेलाइटिस जो है क्यूलैक्स मॉस्क्यूटो द्वारा ट्रांसमिट होने वाला डिजीज है जैपनीज एंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटोज ऑफ क्यूलैक्स स्पीसीज मेनली क्यूलैक्स ट्राइटिनियोराइनकस जैपनीज एंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स स्पीस वाले मॉस्क्यूटो के बाइट द्वारा ट्रांसमिट होता है और स्पेसिफिकली यदि बात की जाए तो क्यूलैक्स के नियोराइनकस इज इंपॉर्टेंट नाम थोड़ा डिफिकल्ट है टू एग्जैक्टली प्रोनाउंस बट इंपॉर्टेंट टेक स्क्रीनशॉट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉर्मोन ऑफ आर बॉडी यूजेज टू मेक ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन में कौन सा हॉर्मोन इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोजन प्रोलेक्टीन प्रोस्ट प्रोजेस्ट्रॉन या फिर इंसुलिन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट इज प्रोलेक्टीन एस्ट्रोजन फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है और इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आइए बात करते हैं दो सिमिलर हॉर्मोन्स की जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं पहला है प्रोलैक्टिन और दूसरा है ऑक्सीटॉक्सिन प्रोलैक्टिन इज अ मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोमोट्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कौन करवाता है तो याद रखेंगे आप पी से प्रोडक्शन पी से प्रोलैक्टिन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिल्क को ब्रेस्ट से निकाल कर बच्चे के माउथ तक लेके आने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है तो आप कहेंगे ऑक्सीटॉक्सिन इसे आप इस फिनोमिना को आप मिल्क डाउन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं मिल्क लेटडाउन रिफ्लेक्स में जब बच्चा मदर के निपल को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान शक करता है तो यहाँ से सेंसेशन ब्रेन तक पहुँचता है और ब्रेन द्वारा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का रिलीज किया जाता है और ये हार्मोन वहाँ से रिलीज होकर ब्रेस्ट सेल में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिसके कारण मिल्क यहाँ से निकल कर बच्चे के माउथ तक पहुँच पाता है नेक्स्ट क्वेश्चन Rest is needed in patient with coronary artery disease too. Coronary artery disease wale patient may rest kyun zaruri hoti hai? Option A correct arrhythmias. Option B reduce oxygen requirement of body. Option C reduce the size of heart. Option D reduce the tendency of insomnia. द राइट आंसर is ऑप्शन बी रिड्यूस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी बॉडी की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए heart में मसल्स कैन रिमेन अलाइव इन रेस्टिंग पर्सन इफ इट रिसीव 10 टू 15% of ऑफ नॉर्मल ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट के चारों तरफ कोरोनरी आर्टरीज़ पाई जाती हैं और यही कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करती हैं अगर किसी क्लाइंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो इसका मतलब है कि कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में ब्लड आगे हार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है अब कोरोनरी आर्टरी वाले पेशेंट को जब हर्ट में पेन होने लगता है चेस्ट में पेन होने लगता है तो हम तुरंत उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हर्ट तक 10 से 15 परसेंट भी ब्लड सप्लाई हो रही है और हम पेशेंट को बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में ला देते हैं बिल्कुल रिलैक्स पोजिशन में ला देते हैं तब भी इसके हर्ट मसल सर्वाइव कर पाएंगे काम करते रहेंगे और पर्सन की डेथ नहीं होगी तो हमेशा याद रखें जब भी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उस सिचुएशन में उसे तुरंत रिलैक्स होने के लिए कहें जितना भी हो सके कम से कम एक्टिविटी करने के लिए कहें ताकि पेशेंट के अंदर सर्कुलेशन चलता रहे ऑक्सीजन डिमांड कम हो और हार्ट की मसल्स सर्वाइव कर पाएं नेक्स्ट क्वेश्चन the nurse walks into the room of a client who has do not resuscitate order and finds the client without pulse respiration or blood pressure what is the important appropriate action ऐसा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ऑर्डर दिया जाता है जब किसी पेशेंट की डेथ होना लगभग लगभग तय है तो हम उस पेशेंट में डू नॉट का ऑर्डर लगाते हैं यानी कि पेशेंट को वापस रिवाइव करने की कोशिश नहीं की जाती सीपीआर आदि नहीं दिया जाता आप एज अ नर्स ड्यूटी कर रहे हैं और आप क्लाइंट के पास पहुंचते हैं इस क्लाइंट में ना पल्स है ना रेस्पिरेशन है ना ब्लड प्रेशर है और इस पर इस पेशेंट के ऑर्डर में लिखा हुआ था डू नॉट रिस तो इस सिचुएशन में आपके द्वारा कौन सा एक्शन लिया जाएगा जो कि अप्रोप्रिएट माना जाएगा सही माना जाएगा आपके ऑप्शंस हैं स्टे इन रूम एंड नोटिफाई द नर्सिंग टीम फॉर असिस्टेंस आप रूम में ही रुकेंगे और दूसरी नर्सिंग टीम को इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो आपकी मदद कर सके या फिर पुश द एमरजेंसी टू कॉल अकॉर्ड आप तुरंत कोड कॉल करेंगे कोड कॉल करेंगे ताकि उसकी हेल्प की जा सके या फिर हॉस्पिटल फोन नंबर फॉर अ कोड आप हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करेंगे कि वो कोड एक्टिवेट करे या फिर पुल द कट कर्टन एंड लीव द रूम आप कर्टन बंद करेंगे और रूम से बाहर निकल जाएंगे द राइट आंसर इज ऑप्शन वन इस सिचुएशन में हम रूम में ही रुकेंगे नर्सिंग टीम को इन्फॉर्म करेंगे कि पर्सन अब नहीं है पेशेंट एक्सपायर हो गया है डेड हो गया है और टीम को बुलाकर आगे का जो भी प्रोसेस है उसके लिए हेल्प मांगेंगे द नर्स शुड कॉल द डेस्क टू आस्क फॉर असिस्टेंस द नर्स नीड टू नोटिफाई द डॉक्टर ऑफ द क्लाइंट्स डेथ एंड फैमिली मस्ट बी नोटिफाइड आप सबसे पहले नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग हेल्प डेस्क पर फ़ोन करेंगे फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और फिर फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आपका पेशेंट अब नहीं रहा अ कोड शुड नॉट बी कॉल्ड हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का एमरजेंसी कोड एक्टिवेट नहीं करेंगे नर्सिंग पर्सोनल शुड बिगिन पोस्टमार्टम केयर सो दैट द फैमिली डज नॉट वॉक इन अनअनाउंस टू फाइंड देयर लव्ड वन डीस्ड और लुकिंग डिस आपको यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म uh, करके पोस्टमार्टम की केयर के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसकी शुरुआत करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रिंसिपल रिगार्डिंग ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज़। प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवर करते समय कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाना चाहिए होम विजिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन द राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट अल्मा अट्टा कॉन्फ्रेंस में दिया गया था और इसके अनुसार सभी लोगों को एक बेसिक जो केयर है वो हमेशा मिलनी चाहिए इस प्राइमरी हेल्थ केयर में डिलीवरी के दौरान हम ये निश्चित करेंगे कि सभी लोगों को एक समान केयर मिले किसी के साथ भेदभाव ना हो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर वी कैन से ऑप्शन सी इज हियर नेक्स्ट क्वेश्चन द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर पेरीसेंटैसिस विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट बिफोर द एग्ज़ाम किसी पेशेंट में पेरीसेंटेसिस प्रोसीजर होने वाला है इस प्रोसीजर से पहले आप क्लाइंट को क्या कहेंगे ऑप्शन ए यू विल नीड टू ले लाइफ फ्लैट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको इस टेस्ट के दौरान बिल्कुल सीधा लेटना है या फिर यू नीड टू एम टी ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर आपको इस प्रोसीजर से पहले ब्लैडर खाली करना है एम टी करना है यानी यूरिन पास करना है या फिर यू विल बी अस्लिप ड्यूरिंग द प्रोसीजर आप इस प्रोसीजर के दौरान सो जाएंगे बेहोश हो जाएंगे वॉट इज द एग्जैक्ट आंसर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इस प्रोसीजर से पहले पेरासेंटेसिस प्रोसीजर से पहले हम पेशेंट को ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए कहेंगे द क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर पैरिस शुड बी टोल्ड टू एमटी द ब्लैडर टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ पंचरिंग द ब्लैडर वैन द निडल इज इंसर्टेड जब पेशेंट में पैरासेंटेसिस प्रोसीजर किया जाता है तो पेशेंट को यूरिन आउट करने के लिए कहते हैं ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर पेशेंट ने ब्लैडर खाली नहीं किया तो निडिल जो हम इंसर्ट करेंगे वो ब्लैडर को परफोरेट कर सकती है रब्चर कर सकती है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इसलिए इस प्रोसीजर से पहले ब्लैडर को एम्प्टी करवाना जरूरी है अपैरासेंटेसिस इज डन टू रिमूव फ्लूड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी द क्लाइंट विल बी पोजिशन सिटिंग अप और लीनिंग ओवर द टेबल द क्लाइंट इज़ यूजली अवेक ड्यूरिंग द प्रोसीजर पैरासेंटेसिस प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम पेरिटोनियल कैविटी में मौजूद एबनॉमल फ्लूइड को बाहर निकालते हैं बेसिकली इस प्रोसीजर का इस्तेमाल हम एसाइटिस के ट्रीटमेंट में करते हैं एसाइटिस कंडीशन के ट्रीटमेंट में करते हैं और याद रखिएगा जो निडिल इंसर्शन साइट होती है वो सिंफाइसिस प्यूबिस बोन और एन, आ, अम्बिकस के बीच में होती है या यूं कह सकते हैं कि अम्बलिकल से अराउंड एक इंच नीचे निडल को इंसर्ट करवाया जाता है और इस पोजीशन के अंदर पेशेंट जो होता है वो सिटिंग अप या लाइव ऑन टेबल पोजीशन पे होता है लीनिंग ओवर द टेबल पोजीशन पर होता है और इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता पेशेंट अवेक रहता है जागता हुआ रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू स्पाजमा ऑफ कॉरोनरी आर्ट्री आपको बताना है कि कॉरोनरी आर्ट्री में स्पाजा आने के कारण कौन सी कंडीशन हो सकती है या कौन सा एंजाइना हो सकता है स्टेबल वेरिएंट अनस्टेबल या मायोकार्डियल एंजाइना द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट इज वेरिएंट एंजाइना आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें प्रिंजमेंटल्स एंजाइना वैसोपास्टिक एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना ये तीनों ही नाम एक ही एंजाइना के हैं चेस्ट पेन ड्यू टू कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म अ सडन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कॉर्नरी आर्टरी ये एंजाइना जो है कॉर्नरी आर्टरीज़ में स्पाज्म आने के कारण होता है हम सभी जानते हैं कि कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं अगर किसी कारण से इस कोरोनरी आर्टरी में ऐठन आ जाए स्पाज्म आ जाए तो ब्लड सप्लाई प्रॉपरली हार्ट तक नहीं हो पाएगी और पेशेंट को चेस्ट पेन फील होगा एंजाइना एपिसोड फील होगा वन ऑफ द वैसल्स दैट सप्लाई हार्ट मसल्स विद ब्लड रिच ऑक्सीजन डिप्रीविंग द हार्ट मसल्स ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी और इससे वहां पर सेल डेथ होने की संभावना रहती है सो एवरीवन वन ये था हमारा आज का वीडियो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक